हेलो फोक्स, ये ट्यूटोरियल आपको जेएनएस 3 पे एक बेसिक टोपोलॉजी क्रिएट करना सिखाएगा। जेएनएस 3 डाउनलोड करने के लिए www.jns3.net/download पे जाएं। वहां पे इसका ऑल इन वन पैकेज डाउनलोड करें। ये पैकेज डाउनलोड करने के बाद हमें इसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना होगा। जेएनएस 3 का सेटअप ऑन करें। When you see the installation process, you will see that it installs a number of softwares in your computer. First of all is the WinPCAP. Windows Packet Capture एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो Wireshark को Windows environment में packets capture करने में help करता है। Now speaking of Wireshark, next JNS3 आपके कंप्यूटर में Wireshark इंस्टॉल करेगा। Wireshark एक नेटवर्क पैकेट एनालाइजर है। ये सॉफ्टवेयर आपको पैकेट्स कैप्चर और ब्राउज करने की फैसिलिटी देता है। So we see that JNS3 is using industry based softwares. After Wireshark, JNS आपके कंप्यूटर में PuTTY और Quick Emulator जैसे सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करेगा। These industry based softwares give us a lifelike experience. This is the main advantage of JNS 3. Now, first run पे JNS आपको iOS image directory specify करने को कहेगा। Yes, JNS 3 uses iOS images in their software. So what happens that iOS images use करने से हम सारे commands use कर सकते हैं. These facilities are not provided in Cisco Packet Tracer. So this is the main advantage of JNS 3. So for downloading an iOS image of Cisco routers, you have to go on careercert.info. ये साइट हमें अलग अलग सिस्को के राउटर्स की इमेजेस प्रोवाइड करती है। एज यू कैन सी, अलग अलग सीरीज के राउटर्स की इमेज हमारे पास अवेलेबल है। ये सारी इमेजेस डॉट बिन फॉर्मेट में होती है। फॉर CCNA द बेस्ट थिंग इज द 26XX सीरीज। सो हमें इन सबों में से किसी भी सीरीज में से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। For example, let me download this file. Download करने के बाद open JNS 3 again. Edit menu में जाकर iOS images and hypervisors खोलें. Image file को select करें. ये हमें uncompress करने को पूछेगा. Yes, click करें. फिर इसे save करके close करें. इसका मतलब ये है कि अब हम अपने GNS सॉफ्टवेयर में Cisco 2600 की सीरीज की राउटर्स यूज कर सकते हैं, लाइक एज वी सी हियर। नाउ लेट अस गेट फेमिलियर विद सम ऑफ द बटन्स एंड विंडोज ऑफ GNS 3। ये बटन हमें न्यू टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ये हमें टोपोलॉजी या प्रोजेक्ट फाइल ओपन करने के लिए सेव करता है, और सेव प्रोजेक्ट फाइल हमें टोपोलॉजीज और प्रोजेक्ट सेव करने के लिए हेल्प करता है। इस साइट पे एड अ लिंक बटन इज द मोस्ट यूजफुल बटन। इस बटन से हम अलग अलग केबल्स यूज कर सकते हैं जिससे हम अपने कंप्यूटर्स, राउटर्स और स्विचेस कनेक्ट करेंगे। स्नैपशॉट बटन से हम अपने टोपोलॉजी की स्नैपशॉट ले सकते हैं। कंसोल बटन से हम अपने राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस बटन से हम अपने डिवाइसेस स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, और रीलोड बटन से हम अपनी टोपोलॉजी रिफ्रेश कर सकते हैं। नाउ लेट अस बिल्ड अ टोपोलॉजी इन GNS 3 ऑफ टू कंप्यूटर्स एंड वन स्विच। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, इसका नाम है VPCS। VPCS डाउनलोड करने के लिए वापस से GNS3.net/download पे जाएं।
यहाँ से VPCS 0.21A इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड करें। डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें ये फोल्डर अवेलेबल होगा। इस फोल्डर से VPCS.exe चलाएं। Let me tell you something about VPCS. VPCS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 9 वर्चुअल मशीन्स हैंडल कर सकता है। ये हमें पिंग और ट्रेस रूट जैसे कमांड्स अवेलेबल कराता है जो कि हम इसे DNS3 के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। As we see, it is looking for a DHCP server. DHCP server अभी सेट नहीं है, इसीलिए कोई भी DHCP server डिटेक्ट नहीं हो रहा। Now we see that it can support 9 PCs और ये 9 PCs की values IP address यहाँ पे provide कराता है। Now it is ready to use. So अब हमें GNS3 और VPCS connect करना है। First of all, we have to build our topology. इसके लिए इसे डिलीट करें। Now, firstly, edit menu में जाकर symbol manager खोलें। Symbol manager में जाके computer select करें और उसे customize nodes में ले आएं। Name में PC set करें और टाइप में क्लाउड सेट करें, अप्लाई करें और क्लोज करें। वी सी दैट नोड टाइप्स में एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, दैट इज पीसी। अब दो पीसीज को ट्रैक करें, दैट इज C1 एंड दिस बिकम्स C2। अब एक स्विच को वर्क स्पेस में ट्रैक करें। अब हमें इनके पोर्ट नंबर सेट करने होंगे। इसके लिए C1 को डबल क्लिक करें, NIO UDP में जाकर लोकल पोर्ट की वैल्यू सेट करें। ध्यान रखें कि C1 और C2 की जो वैल्यूज है वो अलग अलग होनी चाहिए। पोर्ट नंबर एक 16 बिट इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू 1 से 655355 तक होती है। सो वी हैव टू सेट इट यूनिकली बिकॉज लोकल पोर्ट, रिमोट पोर्ट, रिमोट आईपी एड्रेस एंड लोकल आईपी एड्रेस की किसी TCP ट्रांसमिशन में एक ट्रांसमिशन को यूनिकली आइडेंटिफाई कराते हैं। इन दोनों को ऐड करें और ओके करें। Now we have to connect it using the fast ethernet cable. इस तरह से fast ethernet cable select करें और अपने switch से C1 को connect करें और set की values को select करें। Switch 1 से C2 को connect करें। You can see that it has turned green. This means that these links are up and ready to use now. अब हमें इनकी IP address set करनी है। इस चीज के लिए हम VPCS use करेंगे। VPCS1 corresponds to C1 and VPCS2 corresponds to C2. One configure करने के लिए VPCS1 की विंडो में 1 टाइप करके एंटर दबाएं। IP address सेट करने के लिए ये कमांड यूज करें। So the first IP address we give it to the VPCS is the PC1 IP address and the second IP address is the default gateway IP address. The third one is the subnet mask. अब VPCS2 की value set करें। इस command को use करने के लिए up arrow की दबाएं और ये इसका एक shortcut है और इसमें इसकी value edit कर दें। एंटर दबाकर इसकी वैल्यू सेट करें। नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, हमें VPCS2 से VPCS1 पिंग कराना है। फॉर दैट वी यूज द सो पॉपुलरली नोन कमांड 192.168.1.3, राइट।
and now press enter. You see that it works. So we have successfully created a fine topology using two computers and one switch. For more of the same, please tune into Network Hub. Thank you.